हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने तिल के लड्डू बनाए हैं। ये दो तरह के हैं। देखिए, एक में हमने तिल को लपेट कर बनाया है और कुछ लड्डू हमने प्लेन बनाए हैं, ये वाले जिसमें हमने ऊपर से तिल को नहीं लपेटा है। दोनों एक ही मेथड से बनाए हैं, तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। इसके लिए हमने आधा किलो तिल लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से साफ कर लिया है, और एक कढ़ाई रखी है हमने गैस पर। इस पर इसे मीडियम और लो फ्लेम पर हमें थोड़ा हल्का कलर चेंज होने तक भूनना है। इन्हें बिल्कुल लाल नहीं करना है और इसमें कोई घी वगैरह ऑयल नहीं डालना है। इसको ड्राई ही हमें रोस्ट करना है कढ़ाई में। अभी हमने गैस को पहले तेज किया हुआ है, थोड़े से जब ये गर्म हो जाएंगे उसके बाद हम गैस को मीडियम और लो करते रहेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। जब तक ये कढ़ाई में तिल भून रहे हैं, तब तक हमने दूसरी कढ़ाई गैस पे रख ली है और इसमें हम खोया डाल रहे हैं। खोया हमने करीब 800 ग्राम के आसपास लिया, 800-900 ग्राम है ये खोया, और इसको हम हल्का सा हाथ से तोड़कर इसमें डालते हैं और हल्की आंच पर खोए को लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। चाहे तो आप सेम कढ़ाई में ही पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन दो जगह करने से काम जल्दी हो जाता है। हमने गैस हल्की कर दी है और इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। खोए का कलर भी हमें चेंज नहीं करना है, हल्का सा ही बस चेंज होना चाहिए, बहुत लाल नहीं करना है हमें इसको। ये खोया मेल्ट हो गया है, इसको हम लगातार चलाते जा रहे हैं। तले से हम करछली करके चलाना है जिससे जले ना, और बीच बीच में हम तिल को भी चलाते जा रहे हैं कुछ सेकंड के बाद। खोए के साथ साथ हम ये तिल भी चेक कर लेते हैं। हमें इसको भूनते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं करना है इसको लाल। और इस समय हम गैस बंद कर रहे हैं और ये इसको गर्म कढ़ाई में ही थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अब ये तिल हमने 1-2 मिनट तक चला दिया है इसको, और अब इन्हें ठंडा होने देते हैं और इन्हें मिक्सी में हमें पीसना है। खोए को भूनते हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी इसको हमें थोड़ा सा और भूनना है। खोए को भूनते हुए हमें करीब 25 मिनट हो चुके हैं। इस समय हम इसमें थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, देसी घी। इसको इसके साथ में मिक्स करना है और खोए का कलर अब देखिए हल्का सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। और अब ये कढ़ाई से भी अलग होने लगा है, जैसा हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कढ़ाई से अलग हो रहा है, ये चिपक नहीं रहा कढ़ाई में। तो बस थोड़ा सा और चलाना है, उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। अब हमने घी को इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा और चला लिया है, 1 मिनट इसको। और अब देखिए ये पूरा पैन से अलग हो रहा है खोया, और इस समय हम गैस को बंद कर रहे हैं और जब तक कढ़ाई गर्म है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। और अभी अगर एक सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, मैंने टाइम भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है, अगर आप इसी के हिसाब से बनाएंगे तो आपके भी ये तिल के लड्डू बहुत बढ़िया बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे बिल्कुल। बस आप ये ध्यान रखें कि गैस को लगातार बिल्कुल हल्का रखना है और इन्हें चलाते रहना है 1-2 सेकंड के अंदर से, तिल को भी और खोए को भी, और इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है। जब तक खोया ठंडा हो रहा है तब तक हम ये तिल पीस लेते हैं। इन्हें हमने 2 भागों में बांटा है, 1/3 हिस्से को हमने अलग कर लिया है जिसे हम साबित छोड़ देंगे, और बाकी जो हिस्सा बाकी बचा है तिल, इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे। ये तिल हमने जार में कर लिया, इन्हें पीसना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्सी को बंद करना है। इन्हें हमने इस तरह से पीस लिया है, थोड़ा मोटा दरदरा पीसा है, और इसमें मिक्सी को थोड़ा थोड़ा इसलिए चलाना है ताकि इसका तेल रिलीज ना हो तिल का, वरना ये मिक्सचर सारा गीला हो जाएगा। इसलिए मिक्सी को बार बार बंद करके बार बार चलाते जाना है। जिस कढ़ाई में हमने तिल भूने थे उसी में हमने तिलों को ये पीसे हुए तिल कर लिए हैं ताकि हम इसमें सब खोया और बूरा वगैरह मिक्स कर सकें। इसी में हमने जो साबित तिल छोड़े हैं ये भी हम इसी में मिक्स कर रहे हैं, और इसी में खोया ठंडा करके और बूरा मिला के हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो अब सबकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ये हमने इसमें सारे तिल कर लिए थे बड़ी कढ़ाई में, इसमें सबसे पहले हम खोया मिलाएंगे। खोए को मिलाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इतना जम जाएगा कि इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। इसको हमने हल्का गुनगुना रहने दिया है इस खोए को, और इसी समय हम इसमें इसको मिक्स कर रहे हैं। खोया ये सारा सॉफ्ट होगा तभी आपके लड्डू भी सॉफ्ट बन पाएंगे और मिक्स आराम से हो जाएंगे। और अगर ये ठंडा हो गया हो, जम गया हो, तो आप इसको दोबारा से हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद ही इसमें मिलाएं।
ये हमने इसमें सारा खोया डाल लिया है। एक कटोरी भरकर हमने काजू और बादाम को बहुत बारीक काट लिया था और हल्का सा रोस्ट किया है, कम थोड़ा सा घी डाल के, देसी घी डाल के इनको रोस्ट कर लिया है। ये इसमें डाल रहे हैं। नट्स आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा, या कोई और भी डाल सकते हैं इसमें, चिरौंजी वगैरह। ये एक चम्मच इसमें हम पिसा हुआ छोटी इलायची का पाउडर डाल रहे हैं, सफेद इलायची का पाउडर। और इसके बाद इसमें बूरा डालेंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें बूरा इसमें, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना डालें इसमें। और इसको बहुत अच्छी तरह हाथों से मैश करते हुए सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। जब इसे हाथ से मैश करेंगे तो ये मिक्सचर काफी गीला हो जाएगा, और अगर आपको ये सूखा हुआ लगे, लड्डू ना बने, तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी पिघलाकर थोड़ा सा मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को हमने इतना गीला रखा है, थोड़ा हमें सूखा लगा था पहले, तो इसमें हमने थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी मिलाया है पिघलाकर। तो इसको देखिए इतना गीला ये होना चाहिए जिससे लड्डू आराम से बंध जाए इसके, इतना गीला हमने इसको रखा है। और अब इसके लड्डू बना लेते हैं। ये इसके हमने लड्डू बना लिए हैं, कि छोटे या बड़े कैसे भी आप बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा तिल भुने हुए जो पिसे हुए थे तिल, वो निकाल लिए थे, और आप चाहें तो ये लड्डू को इसमें थोड़ा सा इस तरह से रोल कर सकते हैं, और तो ये देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, वरना कोई जैसा आप चाहें वैसा आप बना सकते हैं। इस तरह से ये देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। जाड़े के दिनों में तिल बहुत फायदा करते हैं, गर्म होते हैं, तो इनके लड्डू आजकल अच्छे लगते हैं। बेसन और आटे के लड्डू के बजाय आजकल तिल के लड्डू बनाइए तो ये ज्यादा अच्छे रहते हैं जाड़ों में। इनमें आप शुगर की जगह गुड़ का यूज भी कर सकते हैं। गुड़ को आप अच्छे से कुचल के और उसको थोड़ा मैश करके और शुगर की जगह मिला लीजिए। तो ये लीजिए सारे लड्डू तैयार हैं। इसी तरह हम बाकी लड्डू भी बना लेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट तैयार हुए लड्डू, बहुत ही यमी हैं। और जाड़ों की ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, इसको आप जरूर ट्राई करें। और ये मार्केट की आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे तो ये उसके आधे क्या, उसके 1/3 कॉस्ट से भी कम में तैयार हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।